खबर रीवा से है, जहां अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के लिए आवेदन 15 जुलाई तक किए जा सकेंगे। एमपी टॉस पोर्टल पर पीएमएस अप्लाई हेतु निर्धारित तिथि 15 जुलाई की गई है। जिन छात्रों के बैंक खाते एनपीसीआई एक्टिव न होने के कारण छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का भुगतान लंबित है, उन छात्रों के बैंक खाते आधार नंबर बैंक खाते से लिंक कराकर एनपीसीआई एक्टिव कराकर छात्रों की छात्रवृत्ति आवास सहायता का भुगतान कराना सुनिश्चित करावे। इसके साथ 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के रिन्यूअल छात्रों के आवेदनों का नोडल संस्थाओं द्वारा 15 जुलाई तक 100% सत्यापन कराना है। यदि किसी भी छात्र का सत्यापन न होने के कारण से फॉर्म भरने से वंचित रहता है तो उसका संपूर्ण दायित्व नोडल प्रमुख का होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के जिला संयोजक ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा तक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के प्रस्ताव एवं स्वीकृतियां पूर्ण रूपेण जारी नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि संस्था छात्रों के छात्रवृत्ति के लंबित आवेदन ऑनलाइन 15 जुलाई तक कराकर नोडल के माध्यम से 15 जुलाई तक 100% सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के 100% प्रकरण सत्यापित कर निर्धारित समय सीमा में नहीं भेजे गए तो उनका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 4 के तहत कर्तव्य की उपेक्षा मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। इस अधिनियम के तहत प्रावधान है कि कोई भी लोक सेवा जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं हो सकेगी तथा 1 वर्ष तक के दंड का भागी होगा।